जिस हिसाब से अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं और आगे भी इसरो जो है वो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला है। जहाँ एक तरफ हमने मंगलयान में वो कर दिखाया जो अभी तक दुनिया में किसी भी रास्ते नहीं किया, पहली बार में मार्स पे पहुँचना इन आवर फर्स्ट अटैम्प्ट इंडिया ने कर दिखाया। इसके पहले अन्य राष्ट्रों ने भी ट्राई किया लेकिन कई बार उन्होंने समय लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे सस्ते रेट पर भी हमने, मतलब सबसे कम खर्च में भी हमने मंगलयान सफल किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो भारत बहुत बड़े ऐसे कार्य करने जा रहा है जिसका जिसका आने वाला जो समय है भारत की अंतरिक्ष तकनीकी को स्वर्णिम अक्षरों में ले जाएगा। सो आइए दोस्त बात करते हैं आज के इस लेक्चर में, कुछ गगनयान मिशन से भी जुड़े हुए अपडेट्स आए हैं। उस गगनयान के मिशन में नए अपडेट्स क्या हैं उन पर बात करते हैं। और मैं डॉक्टर रवि अग्री आप सबका एन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर रवि अग्री और आई हैव डन माई PhD IIT दिल्ली। आई हैव माई इंस्टीट्यूशन फॉर द फेस टू फेस क्लासेज पूर्वांचल IAS गोरखपुर। आई एम टेकिंग योर क्लासेज फॉर साइंस टेक एनवायरमेंट और लास्ट 18 ईयर्स आई एम डूइंग द टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव डन माई टीचिंग एक्सपीरियंस इन 1000 प्लस सेलेक्शन ऑन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड आई पब्लिश माई बुक ऑन द साइंस टेक एनवायरमेंट दिस इज अ हाईली सेलिंग बुक इन इंडिया। ये मेरा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये जो वीडियोज या डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ उसके सारे PDF अवेलेबल हैं। तो यू पिल डोंट ट्राई टू मेक आ नोट्स, ट्राई टू सेव योर टाइम और उसको जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड करेंगे उसके उसके रिविजन्स कर लीजिए। एंड दिस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म रवि UPSC_ अन अकेडमी। मेरा अन अकेडमी पर जो प्रोफाइल है वो anacademy.com/rvpagrady2010 पर, यहाँ मेरे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं जो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो साइंस टेक और इन्वायरमेंट से जुड़ी क्लासेस दे आर स्टार्टेड हियर, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। मेरा UPSC कोड जो है दैट इज़ रूपी रवि UPSC। आगे बढ़ते हैं। ये UPSC CSE कॉम्बैट है जो टेस्ट सीरीज़ को लेकर है और 26 दिसंबर जो पीछे का कॉम्बैट हो चुका है, अगला दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज ऑन 2 जनवरी 11 AM। डोंट मिस दिस कॉम्बैट, UPSC CSE कॉम्बैट। यहाँ पर आपके स्कॉलरशिप्स भी हैं। ये पूरा टेस्ट कॉम्बैट एक हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स भी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रैंकिंग यू कैन गेट द डिफरेंट स्कॉलरशिप। ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो रिसेंट UPSC सिलेबस के आधार पर है। टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उनकी क्लासेस भी हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं जो आप देख सकते हैं। अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग भी है तो यू कैन एक्सेस वेरी इजीली लाइक कि आप पूरे इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC पार्ट स्कूल को यूज़ कीजिएगा एंड यू विल गेट योर कंसेशन ऑल्सो ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो लिटरली गाइज गगनयान बहुत ही काबिले तारीफ मिशन है और भारत यहाँ अगर सफल हो जाता है तो अब तक रशिया US और चाइना के बाद इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड जो गगनयान पर जाता है। अब बात ही होगी गगनयान में ऐसा क्या अपडेट आया है, ऐसा क्या रिसेंट अपडेट आया है जो पीछे से कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेंज करने वाला है। देखो अभी तक जो गगनयान का ड्रीम था वो 2022 था। ओके 2018 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रेड फोर्ट के प्राचीर से कि देखो 15 अगस्त 2022 तक, उसके पहले 15 अगस्त 2022 तक है ना, उसके पहले हम क्या करेंगे, गगनयान मिशन को सक्सेसफुल बना देंगे। पर अभी जो नया रिपोर्ट आ रहा है उसमें 2023 का रिपोर्ट आ रहा है और 2023 के रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से गगनयान को सफल बनाने की बात हो रही है, उस पर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। उसमें व्योमित्रा वगैरह का भी कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरीके से हम करने वाले हैं। सो आइए दोस्त बात करते हैं 2023 का जो गगनयान मिशन, आपको एक साल डिले दिख रहा है, नहीं तो पहले मुझे अभी भी याद है इसके लिए जो टारगेट ईयर था वो 15 अगस्त 2022 के पहले इस तरीके से टारगेट ईयर बोला जाता था। सो गगनयान मिशन के लिए जो नया रिपोर्ट आया है, जो नया अपडेट है, वो यही है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है कि गगनयान को हम 2023 में लॉन्च करेंगे जो इंडिया का पहला ह्यूमन मिशन होने वाला है। और ओवरऑल अगर बात करें तो दुनिया में भारत जो होगा वो चौथे रैंक पर आने वाला है आफ्टर US, रशिया और चाइना के बाद। अब आपको बताता हूं कि जो नया रिपोर्ट आया है उसमें यह है कि 2022 के सेकंड हाफ में यानी जून जुलाई के बाद जो गगनयान का पहला एक प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट होने वाला है। प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट क्या होता है, छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट होता है, एक मॉडलिंग टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है जो हम कभी किसी मिशन को या किसी टारगेट को पूरा करने के पहले उसका एक मॉडलिंग करते हैं। तो यहां पर आपको बताऊं एक टेस्ट व्हीकल फ्लाइट होने वाला है एक्चुअल में, जो फर्स्ट अनक्रू मिशन है गगनयान 1 का। ओके गगनयान 1 हम एक्चुअली में पूरा का पूरा जो प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट है उसको बोल रहे हैं। यहां पूरी तरह से क्रू मेंबर नहीं है, अनक्रू मेंबर होने वाला है और जो कि सेकंड हाफ ऑफ 2022 में जाएगा, मतलब 2022 के जून के बाद का, मतलब सेकंड हाफ वाला ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके और बात एक बात और बता दूं, यहां पर आपको बताऊं कि जो सेकंड अनक्रूड मिशन है, फिर पहला अनक्रूड मिशन तो ये होने वाला है, सेकंड अनक्रूड मिशन को जो होने वाला है एक्चुअल में सुनने में आ रहा है कि यहां तो जून जुलाई की बात हो रही है पहले वाले में, सेकंड वाले में बात हो रही है कि सेकंड वाला जो मिशन होगा वो एंड ऑफ 2022 में जाएगा, यानी 2022 के लास्ट मंथ में नवंबर दिसंबर के आसपास। जो 2022 का नवंबर दिसंबर में सेकंड
पार्ट एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, इस यहां पर जो होगा एक्चुअल में ये व्योमित्रा के साथ जाएगा। व्योमित्रा एक तरह का ह्यूमन रोबोट है, जो वीमेन रोबोट है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर MBBSV मैंने देखा था कि व्योमित्रा किसने बनाया है, द आंसर इज इसरो। क्वेश्चन लास्ट ईयर MBBSE के प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, पर ये MBBSE का प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, व्योमित्रा हु मेड इट, ठीक है। और इसके बाद आपको बता रहा हूँ, तो दो अनक्रू मिशन है। अनक्रू का मतलब इनमें क्रू मेंबर नहीं है। ओके, फर्स्ट वाले में तो दैट इज नथिंग इज देयर, व्योमित्रा इज नॉट देयर। सेकंड वाले में तो एक रोबोट को हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ व्योमित्रा। और थर्ड जो फाइनल जो मिशन है 2023 में होगा, जहां हम क्रू मेंबर के साथ भेजेंगे। यानी ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में दो अनक्रू मेंबर हैं और एक क्रू मेंबर है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना। अब हम करते हैं गगनयान मिशन में एक्चुअल में है क्या। गगनयान मिशन में हम जो भी मैन को स्पेस में भेजने वाले हैं, वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाले हैं। लो अर्थ ऑर्बिट एक्चुअल में क्या होता है, जब मैंने आपको स्टैटिक क्लासेस पढ़ाई हैं, तो मैंने बोला है लो का मतलब होता है दैट इज अ पोलर ऑर्बिट। ओके, लो का मतलब होता है पोलर ऑर्बिट। ओके, पोलर पोजीशन यानी पोलर ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। ओके, अगर हम पोलर पोजीशन पर पोलर ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं, अगेन रिपीट, पोलर पोजीशन पर किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं, तो सैटेलाइट की जो डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो लो अर्थ ऑर्बिट ही होती है। लो अर्थ ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होती है वो 50 किलोमीटर से लेकर लगभग 2000 किलोमीटर के बीच होती है। यानी कहने का तात्पर्य है गाइस कि जो हम गगनयान मिशन भेजने वाले हैं वो पोलर पोजीशन पर होगा। पोलर पोजीशन कैसे कहते हैं, मान लो मेरे हाथ में ये अर्थ ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। अगर पोल टू पोल इन दिस डायरेक्शन सैटेलाइट इज गोइंग टू मूव, तो उसे पोलर ऑर्बिट पोजीशन कहते हैं। और पोलर पोजीशन में जो सैटेलाइट होता है वो एक्चुअल में अर्थ के सरफेस से लगभग 50 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर यूं घूमता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहां पर ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो है इस तरीके से होने वाला है। यहीं पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में गगनयान प्रोग्राम पे इस बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर पूरी तरह से क्या करना है आपको साफ-साफ समझ में आ गया। दो अनमैन मिशन है, एक जिसमें व्योमित्रा नहीं है, सेकंड वाले में व्योमित्रा भी है, और जो है उसमें मैन मिशन को करने वाले हैं, भेजने वाले हैं। इस तरह से करके पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर रही है, इस पूरे के पूरे मिशन को सक्सेसफुल बनाने का टारगेट है। फाइन, अब इसका टोटल कॉस्ट जो है लगभग मैं आपको बताता हूं कि 10,000 करोड़ है, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू अभी नई आई है दैट इज 9023 करोड़ है। लेकिन याद रखें, जब मैंने बुक लिखा है उसमें आपको 10,000 करोड़ के बारे में जानकारी दी है, तो ये अप्रॉक्स 10,000 आप बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू 9023 है। इस पूरे के पूरे अनक्रू मिशन वगैरह में और या क्रू मिशन हैं, जो भी सारी चीजें हैं, इस पे हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को चेक करने वाले हैं, पूरी तरह से सेफ्टी मेजरमेंट करने वाले हैं और पूरी तरह से भरोसेमंद इसको बनाने वाले हैं। क्योंकि इस बार हम रिस्क नहीं ले सकते हैं दोस्त, क्योंकि इस बार ह्यूमन है, यानी लाइफ है। ओके, व्हेनेवर बी पीपल आर गोइंग टू सेंड द ह्यूमन बीइंग, उसके पहले हम जो अनक्रू वाले दो ट्रायल कर रहे हैं, एक जिसमें व्योमित्रा नहीं है, दूसरे जिसमें व्योमित्रा है, इन सब तरीकों से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर वी आर सेंडिंग द ह्यूमन इन द स्पेस या एस्ट्रोनॉट्स को अगर हम भेज रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे कैन सफर, एवरीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज एस्ट्रोनॉट्स विल परफॉर्म इनसाइड द शटल। ओके, अब देखिएगा इस पूरी टेक्नोलॉजी में एक्चुअल हम बताएं गगनयान में क्या क्या चीजें हम फॉलो करने वाले हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पहले तो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स के बारे में, ठीक है, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के बारे में कि जो ह्यूमन को लेकर जाएगा लॉन्च व्हीकल वो कैसे होगा। क्रू इसकेप सिस्टम का सीधा अभिप्राय होता है कि मान लीजिए अगर कोई क्रू मेंबर यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स को कह रहे हैं, और भारतीय भाषा में आप उसको व्योमनॉट कह सकते हैं। ओके, जैसे इंडिया में हम एस्ट्रोनॉट्स के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, व्योमनॉट। दुनिया में लोग क्या यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉट। और रशियन क्या यूज़ करते हैं, कॉस्मोनॉट। और तीनों को हिंदी में आप बोलोगे तो अंतरिक्ष यात्री, लेकिन अलग अलग कंट्री ने अलग अलग टर्म को यूज़ किया है। तो अगर क्रू मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए मैं आपको बताऊँ, एक केयर करके एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम पैड अबॉर्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैड अबॉर्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, केयर या पैड अबॉर्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। असल में केयर में होता क्या है, क्रू एटमॉस्फेरिक रीएंट्री एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है कि जब कोई भी स्पेस क्राफ्ट या कह लो एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाता है, और अगर किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी या पॉसिबिलिटी होती है, लाइफ सर्वाइवल की दिक्कत होती है, तो दे कैन फर्दर कम बैक टुवर्ड द ग्राउंड। इसको बोलते हैं क्रू एटमॉस्फेरिक रीएंट्री एक्सपेरिमेंट, इस तरह का इसको बोलते हैं क्रू स्केप सिस्टम। ये सारे ट्रायल भी किए गए हैं। हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल के बारे में वहां पे भी काफी हद तक जरूरत पड़ रही है कि कैसे वहां पर मतलब हैबिटेबल बनाया जाए लोगों को वहां रहने के लिए, ताकि लोगों की डेथ ना हो, काफी हद तक लाइफ को सपोर्ट किया जाए वहां पर, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी एनवायरमेंट वाला एरिया है। आपको पता है 500-600 किलोमीटर की हाइट पर अगर आप जा रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस से जैसे आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती चली जाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है दोस्त, अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जा रहा है, तो एस्ट्रोनॉट्स इज गोइंग टू सर्वाइव इन द माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट। उसको काफी तैयारियों के साथ जाना पड़ता है, ऊपर काफी ज्यादा रेडिएशन होते हैं, क्योंकि जमीन पर तो रेडिएशन फिर भी काफी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू अपसाइड।
क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन सनलाइट नीचे की तरफ आती है वो डस्ट पार्टिकल्स से रुक रुक कर आती है, तो नीचे की तरफ रेडिएशन का इंपैक्ट काफी कम होता है, लेकिन 500 किलोमीटर की हाइट पर जहां जल्दी हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहे हैं लियो ऑर्बिट में, वहां तो रेडिएशन भी काफी काफी ज्यादा है, वहां ग्रेविटी भी काफी कम है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती है। जानते हो हम लोगों के लिए ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रेविटी के हिसाब से अडॉप्ट होती है और ऊपर इस तरह की दिक्कतें होती है। तो वही कह रहे हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल, ये सारी चीजों की जरूरत होती है एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी बचाने के लिए और उनको सफलतापूर्वक ले जाकर एक्सपेरिमेंट करा के जमीन पर लाने के लिए। यहीं पर एक चीज मैं बता दूं, क्रू को सिलेक्शन के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए भी क्रू मैनेजमेंट एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, जिसके लिए हम लोग अभी यहां बात करेंगे। कई इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां भारत उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। वैसे तो यहां पर बताऊं तो जनरली जो है आपको बताऊं कि कुछ पायलट्स वगैरह हैं जिनका सिलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात बताऊं कि ओवरऑल जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, यहाँ पर डिफरेंट तरह की इंजीनियरिंग और इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और सारा का सारा सिस्टम जो इसरो ही गवर्न कर रहा है, ओके, इसरो ही पूरी तरह से गवर्न कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताऊं तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एकेडमिक्स और बहुत सारे नेशनल एजेंसीज हैं जो मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट ऑफ गाइस प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है कंट्री के, वो भी काफ़ी हद तक जो उनकी एक्सपर्टाइज हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है इस प्रोग्राम के लिए लिए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की बात है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, जो सेलेक्टेड किए जा रहे हैं जो पायलट्स वगैरह हैं, उनके लिए भी बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं जो डिफाइन की गई हैं इसरो और इंडियन एयरफोर्स ने। तो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, उन इंडियन एयरफोर्स के पायलट को जो चॉइस जो सेलेक्ट किया गया है, फाइन, उनके नाम वगैरह चीज़ें अभी कहीं डिस्क्लोज नहीं हो रही हैं, तो इसरो और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर ही ज्वाइंटली ये चीज़ डिफाइन की है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब सुनिएगा, कौन कौन से ऐसे पार्टनर हैं जो गगनयान के लिए काम कर रहे हैं टू मेक दिस फर्स्ट मैन मिशन सक्सेसफुल, ओके। तो इसमें बहुत सारे इंडियन एयरफोर्सेज हैं, DRDO है, ओके, DRDO तो यहां तक सुनने में आता है कि जो वो क्या खाएंगे, कैसे वो रहेंगे, जिंदगियां बचाएंगे, वो सारे के सारे काम के लिए DRDO काम कर रहा है। इंडियन मैरिटाइम एजेंसीज काम कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, CSR के लैब काम कर रहे हैं, अकेडमी के शूट्स काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज पार्टनर्स काम कर रहे हैं। सोचो कितना सारा वर्क हो रहा है, कितना सारा वर्क हो रहा है। और क्यों ना हो दोस्त, इस बार भारत जो चीज करने जा रहा है अपने आप में वो चीज स्वर्णिम अक्षरों में दिखा जाएगा। फाइन, व्योमित्रा के बारे में, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आप व्योमित्रा, काफी कॉमन टॉपिक हो चुका आज के रेफरेंस में। ये पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इसरो ने बनाया है, एक्चुअली जिसको सेकंड जो मिशन भेजने वाला है, इसको अनक्रूड मिशन भेजने वाले हैं, अनक्रू इसमें क्रू मेंबर नहीं है, उसमें इस रोबोट को ही हम यूज करने वाले हैं। और ये पूरी तरह से ये चेक करेगा, मॉनिटर करेगा मॉड्यूल पैरामीटर्स को, अलर्ट करेगा एस्ट्रोनॉट्स को, और डिफरेंट तरह के लाइफ सपोर्ट जो ऑपरेशंस होंगे इन सबकी स्टडी करेगा कि स्पेस में जाकर इस तरह की स्टडीज में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इन सारी व्योमित्रा जो रोबोट जाएगा उसकी एनालिसिस से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो उसके हिसाब से हम ह्यूमन को क्या करेंगे, एग्जैक्ट प्लान करके उस हिसाब से भेजेंगे। फाइन, इसकी वजह से ह्यूमन की मतलब लाइफ के लिए किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्योमित्रा एक तरह का ट्रायल है, अब व्योमित्रा से काफी चीजें कंफर्म होने वाली हैं कि भाई एस्ट्रोनॉट अंदर कैसे एक्टिविटी करेंगे, किस तरह की प्रॉब्लम एस्ट्रोनॉट्स को हो सकती है, क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए जरूरत होता है, सब कुछ व्योमित्रा के ऑपरेशन से पता चलेगा। और इस व्योमित्रा की जो भी एक्सपीरियंस से जो रिजल्ट आएगा, उसी आधार पे हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देकर उनको सफल बनाएंगे 2023 में। व्योमित्रा को बात करें तो एक तरह से एक सोलो टाइप का ट्रिप है, ठीक है, इसमें पूरी तरह से अकेले यही एक व्योमित्रा जा रहा है, और काफी हद तक वहां पर काफी चीजें हम लोग पता करने वाले हैं, उस तरह के वेदर के हिसाब से, फिर सेफ एनफ आर नॉट, मतलब ये ट्रिप सेफ होगा या नहीं होगा, काफी स्टडी यहां पर कर पाएंगे। सुनने में आ रहा है, आप लोग जानते होंगे कि रशिया हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ओके, उनको भी काफी हेल्प कर रहा है, तो यहां कहीं ना कहीं ये भी सुनने हमारे रशिया और कुछ और भी कंट्रीज हैं जो हमारे गगनयान मिशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। फाइन, ये आप देख सकते हैं गाइस, जो अभी मैंने आपको बोला व्योमित्रा की का फोटोग्राफ है जो इसरो ने बनाया है। फाइन, और ये अब बात ये होती कि भाई अगर गगनयान प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुल होता तो इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, इसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि हम है ना, यहां पर इंडिया जो है पूरी तरह से सस्टेन और अफोर्डेबल ह्यूमन और रोबोटिक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना रहा है पहली बार। और आगे चलकर आपको बताऊं, जब कल्पना चावला की डेथ हुई थी उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने यह बात बोला भी था कि इसरो में कि भाई ऐसा क्यों ना हो कि हम आगे चलकर रोबोट्स को स्पेस में भेजें। और वही मनमोहन सिंह की बात जो रोबोट को स्पेस में भेजें आज आप यहां पर सुन रहे हैं, किसके थ्रू, व्योमित्र के थ्रू आप सुन रहे हैं। तो वही जो चीज है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बात और आपको बताता हूं कि यहां से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जैसे बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं जो ग्लोबल स्पेस लेवल पर भारत को मिल जाएंगे। भारत को स्पेस
स्पेस क्लब का मेंबर बनने में काफी आसान हो जाएगा। स्पेस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें लीडिंग कंट्री हैं जो उसके मेंबर हैं, और भारत भी इसका मेंबर बनना चाहता है। टू शो इट लाइक इंडिया इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग इन द केस ऑफ स्पेस एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें सॉफ्ट कॉर्नर मिलेंगे, इंडिया स्पेस क्लब का मेंबर भी बन सकेगा। साथ ही साथ भारत को बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी, भारत के बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे, और असाइनमेंट मिलेंगे जैसे कोई कंट्री अपने उपग्रह को भेजेगी, भाई तुम इंडिया हमारे सैटेलाइट्स को भेजो, तो कहीं ना कहीं हमारा स्पेस कॉमर्स भी बढ़ेगा। और जब स्पेस कॉमर्स वगैरह बढ़ेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगा, और इसके अलावा दोस्त जो हमारी नई जनरेशन है उससे जो मोटिवेशन मिलेगा कि यार कल्पना चावला और इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी लाइफ की कुर्बानी दी, कहीं ना कहीं स्पेस में भी बहुत कुछ करने को, एक्सप्लोर करने के लिए है, एंड द पीपल विल बी मोर एंड मोर मोटिवेट टूवर्ड्स इट। ओके, इसके अलावा गाइस, इसके अलावा और भी आपको समझ आएंगे, बहुत सारे एकेडमिक्स वगैरह के पार्टनरशिप बनेंगे, इंडस्ट्रीज की तरह से ये ग्रो करेगा, नई जनरेशन को काफी हद तक इंस्पिरेशन मिलेगा, और जो हमारी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है ग्लोबल सिक्योरिटीज वगैरह के लिए, इसमें भी काफी हद तक भारत को फायदा मिलने वाला है, और पैसे वैसे का भी हेल्प होने वाला है। ठीक है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्पेस कॉमर्स होगा जिसके लिए एंट्रिक्स और NSIL आज काम कर रहा है। भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कि एंट्रिक्स और NSIL इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये इसरो के लिए काम करने वाला स्पेस कॉमर्स की बॉडी है। ओके, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एंट्रिक्स काफी पुराना है, बट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 2019 में लाया जाता है। ठीक है, यही पूरा का पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्पेस से जुड़े हुए कमर्शियल पर्पजेस होते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी खरीदनी होती है, बेचनी होती है, किसी कंट्री को किसी से हेल्प चाहिए होता है भारत से, तो वो इन्हीं सेंटर्स में आके बात करता है जहां पे इंडिया की कमाई भी होती है। अब बात ये होती है कि इसका फायदा क्या होने वाला। देखिए, गगनयान मिशन के बाद जो न्यूज आपको सुनने में आ रहा है कि 2030 में जो भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है 20 टन्स के आसपास जो मास है डिसाइड किया गया, जहां पर इंडिया अपने स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। ओके, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा, दैट इज कॉल्ड इंडियन स्पेस स्टेशन। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में 2020 में वैसे भी पूछा जा चुका है। ओके, 2020 के मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, शायद 19 या 20 में ही है ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन स्पेस स्टेशन क्या है, इसे व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट इंडिया विल हैव, और अ पार्ट ऑफ दिस इंडियन स्पेस स्टेशन से क्या फायदा होने वाला है हमारे स्पेस रिसर्च में। तो वही बात हो गई, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, फ्यूचर में हमारे पास अच्छी कमाई भी होगी, अ पार्ट ऑफ एक नया मोटिवेशन होगा, इंडिया विल हैव अ पार्टनरशिप विद अदर ग्लोबल कंपनीज, अ पार्ट ऑफ इंडिया विल गेट अ गुड असाइनमेंट्स। ओके, ये बहुत सारी न्यू जनरेशन विल मोटिवेट, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होने वाली हैं इस गगनयान प्रोजेक्ट। तो गगनयान प्रोजेक्ट के साथ दोस्त बहुत सारी उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी बात जो एक प्राउड मोमेंट है हम सारे इंडियंस के साथ आने वाला है कि इंडिया इज ऑल्सो एमंग दोज कंट्री जिसने सक्सेसफुली ह्यूमन को स्पेस में भेजा। तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि भारत का ये जो ड्रीम है वो पूरा हो, और हमारे लिए यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए तो दैट इज इसरो। ओके, और आपको लिटरली बताऊं दोस्त, इतने सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ाता हूं जिसमें लिटरली आपको बताऊं तो इसरो का जब भी नाम आता है तो आई स्टार्ट टू गिव अ हैट्स ऑफ, मतलब ये लिटरली काबिले तारीफ है, और जिसके लिए हम सबको इसरो पे गर्व होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, वीडियो लेक्चर समाप्त होते हुए, कि जो अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज हैं यूपीएससी सीएससी के वो अवेलेबल हैं, इनमें से जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से इनरोल कर लीजिएगा, दैट इज अ फ्री टेस्ट सीरीज, और ये बहुत जरूरी है दोस्त अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, आपका इवैल्यूएशंस। मेरे जो कोर्सेज हैं साइंस टेक के साथ एनवायरमेंट, ये दोनों के दोनों जो कोर्सेज हैं प्लस एनवायरमेंट, ये स्टार्ट हो चुके हैं 21 दिसंबर से, और ये पूरा का पूरा जो प्लस कोर्स है, पूरा साइंस एंड टेक की क्लासेस यहां पर अवेलेबल हैं, और इसके जस्ट बाद एनवायरमेंट की भी अवेलेबल, 21 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। कोर्स ज्वाइन करते समय आप रवि यूपीएससी का कोड यूज करें। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं, दिस इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, और आपको लिटरली बताऊं, अगर आप अनअकैडमी पर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू आइकॉनिक कोर्स इज द बेस्ट वन, जो कि आपको मेंटरशिप मिलती है, एक ट्यूटर मिलता है जो आपकी केयर करता है, मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करता है, आपके साथ ओपन हाउस मतलब कनेक्ट भी होता है, लोन फैसिलिटीज भी अनअकैडमी आपको देता है, जिस तरह से आपकी जो डिमांड है उस तरह से 0% इंटरेस्ट वगैरह पर आप लोन भी ले सकते हैं। ये यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिशन 2002 एक्सपेक्टेशन 2022 मिशन 2023 एक्सपेक्टेशन 2023, और ये 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें से किसी भी तरह के कोर्स को लेना है आप ले सकते हैं। ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के जो प्राइजेस हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोर्स लेते समय आप रवि यूपीएससी कोड को यूज करेंगे तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, और मैं आपको बोलूंगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट, बिकॉज फॉर मेंटरशिप यू विल बी ऑल्सो गेट इट अ पार्ट ऑफ गाइज। इवन ऑप्शनल कोर्सेज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इज अवेलेबल, कोड इज रवि यूपीएससी। फाइन, और आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रवि यूपीएससी अंडर
@unacademy। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्त unacademy.com ये मेरा जो प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, जहां मेरे वीडियो क्लासेस होते हैं, जहां पर मैं आपको बहुत सारे स्पेशल क्लासेस लेता मिलता हूं। और यहां पर स्पेशल क्लास में आपको, आप यहां पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, यहां जब भी मैं लाइव होऊंगा आपको पूरा का पूरा, अभी मैंने आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है कि पूरी बायोलॉजी की क्लास आपको जनवरी फरवरी तक यहां पर कंप्लीट कर दूंगा। ये मेरा रवि यूपीएससी पास कोड है, इसको यूज करने पर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप पार्ट ऑफ छूट भी ले सकते हैं। जाते जाते दोस्त आप मुझे सब्सक्राइब करना अनअकैडमी पर, लाइक करना, बजर घंटा बजाना, लाइक और शेयर करना, और प्लस जो पीडीएफ है उसके लिए मैंने आपको बोला टेलीग्राम पर जाकर सीधा पीडीएफ ले लीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, लिखने का बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो को जो मैंने पढ़ाया, अगर आपको थोड़ा फास्ट लगे तो स्लो वाले ऑप्शन में चले जाइए यूट्यूब पर, स्लो लगे तो फास्ट वाले ऑप्शन में चले जाइए, लेकिन इसी को 2-3 बार सुन लीजिए। इसमें मैंने पूरी तरह से बैकग्राउंड और कंसेप्ट को जोड़कर बता दिया दैट इज रिलेवेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्त अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का नमन करें, छोटों को प्यार, और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।